हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आपका दोस्त। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लॉगिंग के अंदर बेस्ट फॉन्ट स्टाइल कौन से होते हैं। दोस्तों, पोस्ट लिखते समय यानी कि जो हमारे ये टेक्स्ट हैं इनको जो स्टाइल देते हैं हम, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं फॉन्ट के ऊपर तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल हमें देखने को मिलते हैं, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, हैवलेट, ठीक है। तो इनमें सबसे बेस्ट कौन सा रहता है? तो दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं पेज स्पीड इनसाइट के अंदर जाऊंगा। पेज स्पीड इनसाइट आप सब जानते हैं क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक करते हैं। तो वेबसाइट के अंदर जो हम फॉन्ट यूज करते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अगर हम सही फॉन्ट का यूज करें तो हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है ये उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं यहाँ पे पेज स्पीड इनसाइट में। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट की और इसकी स्पीड काफी कम आई है। और यहाँ पे जब इसके जो रीजन यहाँ पे निकल के आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एनश्योर टेक्स्ट रिमेन्स विजिबल वेब फॉन्ट लोड, यानी कि जो आपके फॉन्ट होते हैं वेब फॉन्ट वो लोड होने में जब टाइम लेते हैं तो ये भी आपकी वेबसाइट को कहीं ना कहीं स्लो करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जो है अपनी वेबसाइट के अंदर ऐसे फॉन्ट का इस्तेमाल करें जो कि लोड होने में टाइम ना ले तो आपकी जो वेबसाइट होगी, आपकी जो पोस्ट होगी वो गूगल में थोड़ी जल्दी रैंक हो पाएगी। इसी प्रकार डेस्कटॉप में जब आप देखते हो तो वहां पे भी आपको ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी कि आपके जो वेबसाइट के जो फॉन्ट होते हैं उनको लोड होने में टाइम लग रहा है। तो ये भी एक रीजन होता है कहीं ना कहीं वेबसाइट को स्लो करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, fonts.gstatic.com यानी कि गूगल के जो फॉन्ट हैं ये वहां पे दिए गए हैं, उनके URL हैं। तो गूगल के जो फॉन्ट होते हैं दोस्तों वो हमारे कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल में जो है पहले डाउनलोड होते हैं और बाद में हमारी जो पोस्ट है वो सही तरीके से दिखाई देती है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अगर हम हमारी ब्लॉग पोस्ट के अंदर ऐसे फॉन्ट का इस्तेमाल करें जिन्हें डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े, यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डिफॉल्ट फॉन्ट है या फिर हमारे स्मार्टफोन मोबाइल के अंदर जो डिफॉल्ट फॉन्ट है उन्हीं में अगर हम ब्लॉग पोस्ट को लिखेंगे तो ये जो फॉन्ट के लोड होने वाली जो प्रॉब्लम है ये नहीं आएगी। तो सबसे बेस्ट फॉन्ट कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले मैं कंप्यूटर के फॉन्ट दिखा देता हूं। कंप्यूटर के सबसे बेस्ट फॉन्ट होते हैं दोस्तों, गूगल में मैंने सर्च किया तो जो कैलिब्री होता है दोस्तों, कैलिब्री एमएस वर्ड के अंदर जब आप डिफॉल्ट में टाइपिंग करते हो तो कैलिब्री जो फॉन्ट है दोस्तों वो डिफॉल्ट में वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों 2007 के बाद उसमें कैलिब्री जो फॉन्ट स्टाइल दोस्तों उसको डिफॉल्ट कर दिया गया है। और उससे पहले जो फॉन्ट स्टाइल था दोस्तों वो था टाइम्स न्यू रोमन। और दोस्तों, आज के समय में अगर आप देखोगे मार्केट में जितने भी लोग हैं, ज्यादातर जो कंप्यूटर यूज करते हैं आज भी लोग विंडोज 7 का ही यूज करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप कैलिब्री फॉन्ट स्टाइल का यूज करते हो या फिर टाइम्स न्यू रोमन का यूज करते हो और आपकी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर जो है विंडो यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज करती है तो उनके कंप्यूटर के अंदर आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको लोड होने में जो है कम टाइम लगेगा, वेबसाइट जल्दी लोड होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर से ज्यादा यूजर आ रहे हैं तो आपके जो फॉन्ट होंगे वो कैलिब्री रखिए या फिर टाइम्स न्यू रोमन। वहीं अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादातर जो यूजर है वो एंड्रॉइड स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो फॉन्ट है दोस्तों वो होता है रोबोटो, क्योंकि दोस्तों रोबोटो जो फॉन्ट होता है वो डिफॉल्ट फॉन्ट है एंड्रॉइड का 2013 से। इसके अलावा गूगल की जितनी भी सर्विस हैं दोस्तों, जैसे कि गूगल का प्ले स्टोर है, यूट्यूब है, गूगल के मैप है और गूगल के इमेजेस हैं, उन सब के अंदर जो फॉन्ट यूज होता है डिफॉल्ट में दोस्तों वो है रोबोटो। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर रोबोटो फॉन्ट का यूज करते हो तो मोबाइल के अंदर आपकी वेबसाइट को लोड होने में कम से कम टाइम लगेगा, जिससे यूजर का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। तो आपकी जो ब्लॉग पोस्ट होगी वो स्मार्टफोन में, एंड्रॉइड के जो स्मार्टफोन होंगे उनमें जल्दी लोड होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर ये रोबोटो फॉन्ट को इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे मैं ब्लॉगर के अंदर आ गया हूं और यहाँ पे मैंने एक पोस्ट ओपन कर ली है। तो यहाँ पे जैसे इस ए पे आप क्लिक करोगे फॉन्ट टाइप पर तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख पाओगे, यहाँ पे आपको जो डिफॉल्ट फॉन्ट देखने को मिलेंगे जो कि हर एक यूजर को दिखाई देते हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ जो 4 एक्स्ट्रा फॉन्ट दिए गए हैं दोस्तों, ये मैंने ऐड किए हैं, आप भी ऐड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे ऐड मोर जो फॉन्ट का बटन है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे ऊपर लिखा हो दोस्तों रोबोटो। और यहाँ पे आप देख सकते हो सॉर्ट बाय पॉपुलरिटी, यानी कि सबसे पॉपुलर फॉन्ट कौन सा दोस्तों, पॉपुलर फॉन्ट है रोबोटो, जो कि यहाँ पे इन्होंने पहले ही दिखा दिया है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सिर्फ रोबोटो फॉन्ट को रखूंगा और बाकी के जो फॉन्ट है उनको रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के लिए इन पर इस प्रकार से सेलेक्ट कर दीजिए, रिमूव हो जाएंगे, इस प्रकार से अनटिक कर दीजिए, या फिर यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिलेंगे माई फॉन्ट, यहाँ पे मैं जो है सिर्फ रोबोटो फॉन्ट को रखूंगा और इसी फॉन्ट का यहाँ पे मैं अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद सेलेक्ट के बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मेरे फॉन्ट के अंदर आप देख पाओगे रोबोटो फॉन्ट आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे मेरे जितने भी फॉन्ट हैं उनको मैं सेलेक्ट करूंगा इस प्रकार से और इनको जो है रोबोटो में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो फॉन्ट है वो थोड़े से जो अलग डिजाइन में हो गए हैं। रोबोटो के जो फॉन्ट है दोस्तों उनकी रीडेबिलिटी आप देख सकते हो कितनी अच्छी है और आपकी जो पोस्ट होगी दोस्तों अगर आप इन फॉन्ट का यूज करोगे तो वो काफी खुली खुली सी दिखाई देगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ब्लॉगर के अंदर रोबोटो फॉन्ट का यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी वेबसाइट में काम कर रहे हो, चाहे वो वर्डप्रेस है, wix.com है, तो कहीं पर भी आप काम करते हो तो आप उसके अंदर जा करके जो है इन रोबोटो फॉन्ट को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट जो फॉन्ट होंगे दोस्तों वो रोबोटो ही रहेंगे। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो बेस्ट फॉन्ट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।